वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई, दिस इज रोशनी। और आज हमारे साथ है जैस्मीन और तेजो की माता जी का रोल निभा रही कमल जी। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले सबसे तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उड़ानियां एक ऐसा शो है जिसने टीआरपी में एक अलग ही तरह का इतिहास रच दिया है। इतना पसंद किया जा रहा है इस शो को, कैसा लग रहा है आप शो की इतनी अहम हिस्सेदारी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब हमने जर्नी शुरू की थी तो बस सोच के शुरू की थी कि कुछ अच्छा करेंगे, पर ये इतना अच्छा हो जाएगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग सब इस इतनी अच्छी उडारिया का हिस्सा है, इतनी अच्छी टीम का हिस्सा है। बहुत मजे आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कमल जी के शो की यूएसपी क्या है? क्या है जो ये शो लोगों को इतना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है, इतना ज्यादा पसंद आ रहा है? सबसे पहली चीज जो है शो की कहानी, जो शो की कहानी है वो बोलते ना कि अगर आपकी बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत बहुत ही बुलंद होती है। तो हमारी जो शो का बेस है उसकी स्टोरी है, स्टोरी बहुत ही यूनिक है। एकदम हर घर में शायद ये चीजें देखने को मिलती है कि दो बहनों में जेलसी हो जाती है, दो बहनों में बहुत प्यार होता है, बट उसको किस तरह से पिक्चराइज किया जा रहा है वो बहुत प्यारी, वो यूएसपी है हमारे शो की। और सरगुन मैम को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये चीज सोची, उन्होंने इस चीज को अपने क्या बोलते हैं स्टोरी बोर्ड पे उतारा और हमें वो कैरेक्टर जीने का मौका दिया। बिल्कुल, तो ऐसे में हमें बताइए, क्योंकि हम जब रील्स देखते हैं, बिहाइंड द सीन के शॉट्स देखते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ही एक अलग सा माहौल रहता है सेट पर। क्योंकि आप सेट पर रहती है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल बनता है वहाँ पर। बहुत ही अच्छा माहौल है, मैंने बहुत काम किया है, इससे पहले भी बहुत काम किया है, बॉम्बे में बहुत काम किया है, बट जितना हम लोगों को एक फैमिली जैसा फील यहाँ पे होता है शायद मैंने आज तक कहीं फील नहीं किया। हम लोग सब मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, जैसे ही टेक रेडी होता है, शॉट रेडी होता है, हम लोग अपने अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं। उससे पहले सब मस्ती मजाक चल रहा होता है, बिहाइंड द सीन तो लाइक फुल ऑन। इसलिए शायद हमारे जितने भी बिहाइंड द सीन वाले ब्लॉग्स हैं इतने चल रहे हैं, लोगों को मजे आते देखे कि हम लोग अगर सेट पे ही मैं सती हूँ तो सती के पीछे क्या हूँ, तो वो भी लोगों को देखने में मजा आता है कि कमल कैसी है, कमल की मस्ती कैसी होती है। तो इसलिए बहुत मजा आते हैं, हमारे सेट का माहौल बहुत ही एकदम, वी आर लाइक अ फैमिली, वी आर बिग पार्ट फैमिली। जी जैस्मीन की अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि उनको आपके परिवार वाले बड़ा थप्पड़ मारते हैं, क्या बहुत ही अलग तरह का रिश्ता है उनके साथ, प्यार भरा तो नहीं है, लेकिन अगर ऑफ कैमरे की बात की जाए तो किस तरह की शख्सियत रखती हैं जैस्मीन और किस तरह का बॉन्ड शेयर करती हैं आप? जैस्मीन इज द मोस्ट नॉटीएस्ट पर्सन ऑन द सेट, वो जो लोगों की मिमिक्री करती है, हर किसी की मिमिक्री करती है और ऐसे पकड़ती है कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे देख रहा है, और इतनी प्यारी है, इतनी क्यूट बच्ची है वो, और उसके उल्टा वो जो अपना कैरेक्टर निभा रही है, हैट्स ऑफ टू हर, वो इतना अच्छा कर पा रही है क्योंकि वो जैस्मीन जो है वो बिल्कुल अलग है। ईशा और जैस्मीन दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज है। जो ईशा है वो बहुत क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है जिसको कडल करने का मन करता है, जिसको प्यार करने का मन करता है, आती है किस कर जाती है, आती है हग कर जाती है, आती है मस्ती कर जाती है, और पूरा टाइम उसका फन चलता रहता है। और जैसे ही कैमरा ऑन होता है ईशा बिकम्स जैस्मीन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने का इतना हमें भी मजा आता है। और हम कई बार ऐसे सीन्स होते हैं कि जब मैं बोलती हूँ कि जैस्मीन ईशा तुम कर पाओगी, और कोई नहीं मम्मी कर लेंगे, शी इज लाइक दैट, शी इज क्यूटेस्ट पर्सन ऑन द सेट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए तेजो के बारे में तो एक अलग ही तरह की शख्सियत वो भी रखती है, एक अलग ही तरह का रिश्ता आप उनके साथ भी ऑन स्क्रीन शेयर करती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन की बात की जाए तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है और आप किस तरह का बॉन्ड शेयर करती है उनके साथ? जैस्मीन जैसे एकदम क्यूट नॉटी किडिश बच्चा है, उल्टा जो तेजो है वो बहुत फन लविंग है पर बहुत मैच्योर है, बहुत सेंसिबल है। हम लोग ना सिर्फ स्क्रीन शेयर करते हैं, इनफैक्ट हम लोग फ्लैट भी शेयर करते हैं, वी आर फ्लैट पार्टनर्स,
यहाँ पे जब जहाँ हम रह रहे हैं, हम लोग रूम तो फ्लैट शेयर करते हैं, तो वो उतनी ही सुलझी हुई है, उतनी ही पर मस्तीखोर वो भी बहुत है। जहाँ मस्ती की बात आती है वो भी छोड़ती नहीं है, बहुत मस्तीखोर है। बट हाँ, जैस्मिन जैसे थोड़ी सी बच्चू है, वो सेंसिबल है, समझदार है, चीजों को समझ के लेके चलती है, बहुत समझदार है। तेजो बहुत समझदार है जी। अगर फतेह की बात की जाए, क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है फतेह की, मुझे लिटरली इनफैक्ट हमारे बॉलीवुड स्टार को इतने सारे कमेंट्स आते हैं फतेह को लेकर, लड़कियों के स्पेशली कमेंट्स आते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि उनकी पर्सनालिटी जी। फतेह आल्सो वेरी फन लविंग पर्सन, और जैसे कि तेजो है, फतेह आल्सो वेरी सेंसिबल क्योंकि बहुत काम, पर जब मस्ती करने पे आता है तो फतेह किसी को नहीं छोड़ता। फतेह सबकी लेग पुल करता है, फतेह सबके साथ पंगे लेता है, पर जब उसके सीन्स होते हैं तो फतेह इज इन अ डिफरेंट जोन। तब हम उससे बात नहीं कर सकते, तब हम उसको बुला नहीं सकते, तब फतेह अपने कैरेक्टर में होता है। पर जैसे उसका सीन वैसे होता है, सबको तंग करना शुरू हो जाता है वो। हम उसको बोलते हैं कि फतेह अब तुम्हारा सीन हो गया, वो हमारी बारी है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऐसा है वो। बहुत प्यारा इंसान है। तो कमल जी हमें बताइए, क्योंकि अगर कैरेक्टर की बात की जाए, जहाँ आप तेजो और जैस्मिन की माता जी का रोल निभा रही हैं, तो ऐसे में आप क्या फील करती है, क्योंकि आपकी दोनों ही बेटियां अलग तरह की पर्सनालिटीज हैं और अलग ही तरह का उनका रोल नजर आ रहा है। एक है जो कि काफी सीधी सादी है और दूसरी है जिनकी इच्छाएं ही अलग सी है, तो एज अ माता आप क्या फील करती है, एज अ मॉम क्या फील करती है? मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है कि आपके अगर दो बच्चे होते हैं, दोनों का अलग नेचर होता है। बट जैस्मिन के केस में अगर ये हो गया कि जहाँ पे तेजो को हमने सारे बता दिया कि ये बहुत सेंसिबल लड़की है, ये सब अच्छा संभालेगी, वहीं तेजो जैस्मिन को हमने इतना पैम्पर कर दिया, उसकी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किया। ऐसा कैरेक्टर वाइज अगर मैं देखा लूँ तो मैं खुद भी रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, क्योंकि मैंने अपने सपने उस पर लाद दिए थे, कनाडा 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 जो शुरू से चलता आ रहा था, तो कहीं कहीं ना कहीं वो चीजें उसके ऊपर हावी हो गई थी। अब दो बच्चे सेम नहीं हो सकते, तेजो समझदार थी, उसने समझदारी से उस चीजों को हैंडल किया, पर जैस्मिन बच्ची थी, जैस्मिन को शुरू से बहुत भोला बच्चा दिखाया था, तो भोले बच्चे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं कि खराब हो जाते हैं या बिल्कुल ही लल्लू रह जाते हैं। तो उस केस में ये हुआ कि जैस्मिन बिल्कुल ही मतलब उसका जो दिमाग है, ये चीज मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। पहले तेजो उसको प्यार से दे देती थी, अब वो उसकी जिद बन चुकी है। तो एज ए मदर कहीं ना कहीं कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो मेरी खुद की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज में कि मैंने उसको सही और गलत का सिखाया नहीं, कि माँ ने अपना सपना तो उसके ऊपर लाद दिया पर उस सपने को पूरा कैसे करना वो तरीका नहीं बताया। तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, नॉर्मल फैमिलीज में भी ये चीजें होती है, छोटे बच्चे पैम्पर्ड होते हैं और थोड़े बिगड़ जाते हैं जी। हमारे केस में थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कमल जी हमने देखा है कि इनफैक्ट हमें भी इतने सारे मैसेजेस आते हैं, आई एम श्योर कि आपको भी आते रहेंगे, क्योंकि फैंस जो है वो एकदम उसे शो की तरह नहीं लेते, इमोशंस में डूब जाते हैं, उनको लगता है कि रियल है वो। सो ऐसे में काफी सारे अलग अलग तरह के मैसेजेस आपको भी आते रहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह का फीडबैक और मैसेजेस आते हैं। मुझे बहुत मिक्स फीडबैक आता है, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। इनफैक्ट अभी मैं बॉम्बे भी गई थी तो एयरपोर्ट में मुझे दिल्ली में कुछ लोग मिले थे, तो वहां पे भी बहुत मिक्स रिएक्शन वाले लोग थे, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैस्मिन को फतेह से अच्छा सच में प्यार है, तो आप तो उन दोनों के बीच में क्यों पड़ रहे हो, और कुछ लोग आते हैं मुझे बोलते हैं आप जैस्मिन को तो थप्पड़ क्यों नहीं मारते हो। तो बहुत मिक्स रिएक्शन है, ऑडियंस बढ़ चुकी है, हमारे शो की ऑडियंस बढ़ चुकी है। कुछ लोगों को जैस्मिन और फतेह साथ में देखना पसंद है क्योंकि उनको लगता है कि ये तो पहला प्यार था इसका, पहला प्यार तो वही था, तेजो करके शादी जबरदस्ती हुई, बट वही दूसरी तरफ बोलते कि तेजो ने इतने सैक्रिफाइसेस करके फतेह को पाया है, मतलब अपनी फैमिली के लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए, अब फतेह को तेजो को डिच नहीं करना चाहिए। इट्स रियली मिक्स्ड रिएक्शन एज एन ऑडियंस। अगर मैं खुद को भी देखूं तो जब मैं शो देखती हूँ तो मुझे कभी जैस्मिन सही लगती है, कभी तेजो पे प्यार आता है, मतलब ऐसी चीज हो गई है। तो हमारे शो की यही यूएसपी है कि इसके मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है,
हमारे सबके अंदर कुछ थोड़ा सा नेगेटिव होता है, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, बस वही है। कोई हमारे शो में वैम्प नहीं है, कोई हमारे शो में ऐसे वो वाले नहीं है। छोटी छोटी सी हरकतें जैस्मिन कर रही है जो कि हम नॉर्मल जिंदगी में अपनी चीजों को पाने के लिए कर ही लेते हैं, तो वो हमारे शो की यूएसपी है कि कोई वैम्पिश वाला नहीं है कि मैं उसका ये कर दूं वो कर दूं, बस अपनी चीज उसको चाहिए, उसकी जिद बन चुकी है फतेह। तो बहुत मिक्स रिएक्शन मिलते हैं, बहुत मिक्स ऑडियंस मिलती है मुझे, तो बहुत मिक्स फैंस मिलते हैं। बिल्कुल, पर अगर कमल जी आपसे एज अ व्यूअर बात की जाए, जैसे आप कहती है कि कभी आपको ये जैस्मिन सही लगती है, कभी तेजो पे प्यार आता है, तो ऐसे में अगर व्यूअरशिप के हिसाब से बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि फतेह को किसे चुनना चाहिए, तेजो को या जैस्मिन को? तेजो को, फॉर श्योर तेजो को, क्योंकि प्यार जो होता है ना सेक्रीफाइस का नाम है। अगर हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो वो प्यार नहीं है। जब उसने एक मन बना ही लिया था कि अब मुझे फैमिली के लिए या जिसके लिए भी कि मैंने तेजो से शादी कर ली है, तो उसके बाद फिर उसको तेजो का रहना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से जो तेजो का और उसका जो बॉन्ड है वो बहुत प्योर है। पहले प्यार था, जैस्मिन और उसका पहले प्यार था। अब जैस्मिन बोली थी उसको पहली नजर का प्यार था, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर हाँ, अब जो है जो तेजो उसकी फैमिली के लिए कर रही है, तो मुझे लगता है कि तेजो इज द बेस्ट पार्टनर फॉर हिम। और जैस्मिन ने अभी जो हरकतें करनी शुरू कर दी, वो जिद वाली बात हो गई, दैट इज नॉट गुड। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सब चीजें करनी चाहिए। सो एज एन ऑडियंस फॉर तेजो। जी सर, कमल जी अगर बात की जाए आपकी, तो किस तरह की शख्सियत आप रखती हैं, क्योंकि अब इतना सारा हम सबके बारे में जान चुके हैं, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ऑफ कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है कि मैं कैसी हूँ? मुझे तो आप बहुत ही जॉली पर्सनालिटी लग रही है। मैं ऐसी ही हूँ, मैं मतलब हर किसी के साथ मस्ती करती हूँ, सेट पे पंगे लेती हूँ, हम वीडियोस बनाते हैं, हम रील्स बनाते हैं, हम मजे करते हैं। आई एम वेरी फन लविंग पर्सन, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ जेल होना, सबके साथ मस्ती करना, सबके साथ इंजॉय करना, और हमारी फैमिली जैसा ही बॉन्ड है सेट के ऊपर। मैं जब जब काम शुरू होता है तो आई एम सती, जैसे ही कैमरा ऑफ होता है मैं कमल हूँ। तो फिर आई एम लाइक, हाँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपनी एज को वो नहीं करती, मैं बच्चों के साथ बच्चों जैसी मस्ती करती हूँ, अपने लेवल के साथ उनके जैसी मस्ती करती हूँ। आई एम वेरी फन लविंग पर्सन। बिल्कुल सो कमल जी, जब शूट नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अभी आप लोग मुंबई में शूट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आप पंजाब में शूट कर रहे हैं तो क्या करती हैं आप, जब शूट नहीं होता है तो किस तरह अपना समय बिताना पसंद करती हैं? शूट नहीं होता है तो जैसे हम लोग यहाँ पे सब फैमिली छोड़ के बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली बॉम्बे में है, मैं यहाँ चंडीगढ़ में बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मिस करते हैं फैमिली को बहुत ज्यादा। तो बस जब शूट नहीं होता है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट नहीं होता है तो फिर जैसे थोड़ा सा खाना वाना खुद बना लेते हैं, मैं और जो मेरी दादी जो हमारी मतलब सास बनी है, हम मैं तेजो और वो तीनों एक ही फ्लैट में रहते हैं, तो कुछ अच्छा खाना बना लेते हैं। जैसे आधी हमने हलवा बनाया था तो हमने बड़े मजे से खाया, विराज भी आया था तो हमने सबने साथ मिल के खाया, तो वैसी चीजें करते हैं। या फिर रात को मिल जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं, छोटी मोटी गेट टुगेदर कर लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, किसी के क्या चल रहा है, क्योंकि हम सब फैमिली से दूर बैठे हुए हैं, तो यही है अभी हमारी फैमिली, तो इस तरह से टाइम निकल जाता है। जी सो ऐसे में अगर मेजर ट्विस्ट की बात की जाए तो हमने एक प्रोमो देखा है रावण की एंट्री का, जिसमें जस आने वाले हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से भूचाल मचा देंगे सभी के जिंदगी? बिल्कुल, बहुत भूचाल मचने वाला है, जस की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लोग बहुत एक्साइटेड है ये उसकी एंट्री पे, हम लोग खुद बहुत एक्साइटेड है। जब हमें पता चला था, क्योंकि जस जो है हमारा बहुत अच्छा लोकेशन का रियल नाम, बहुत अच्छा फ्रेंड है, मी एंड लोकेशन वेरी गुड फ्रेंड, सो वी वर सो एक्साइटेड दैट ही इज कमिंग बैक, वाओ। बट ऑडियंस ने जिस तरह से उसका वेलकम किया है, ऑडियंस ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज समथिंग एक्सेप्शनल। ऑडियंस तो पागल हो रही है कि व्हेन ही इज कमिंग बैक, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। तो शूट शुरू हो चुका है, मे बी 2-3 दिन में उसका टेलीकास्ट हो जाएगा एंड यू विल सी अ हैंडसम रावण ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी बात हुई लोकेश से, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपना रावण वाला किरदार पर्दे पर दिखाने के लिए। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल कमल जी, अगर आपसे जानने की कोशिश की जाए तो क्या लगता है आपको कि मेजर ट्विस्ट की क्या उम्मीद रख सकते हैं हम, क्या हो सकता है उड़ारिया में?
आने वाला है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच. आई मस्ट से कि एक्चुअली बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच. जो कि हम सबने, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसा ट्विस्ट आने वाला है. बिल्कुल. और हमारे लिए भी वो न्यूज़ था, एक्चुअली वो ट्विस्ट हमारे लिए भी न्यूज़ था. जी जी. तो कमल जी, सारे ये व्यूअर्स के लिए, सारे उडारिया के फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उडारिया के फैंस के लिए यही कहना चाह रही हूँ कि इतना प्यार इन लोगों ने हमें दिया है, इतना प्यार हम, मतलब हर कैरेक्टर को, नॉट इवन मी, नॉट इवन जस्सो, तेजो, फतेह, वो तो लीड्स हैं, उन लीड्स को तो हर शो में प्यार मिलता है, पर बाकी कैरेक्टर को भी जो ऑडियंस ने प्यार दिया है ना, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया. ऐसे ही हमारा शो देखते रहें, हमें प्यार करते रहें, और बहुत बड़े ट्विस्ट का वेट करें, आने वाला है जल्दी.